पंद्रहवां वर्ष समाप्त फरमाया। पारे की इब्तिदा मेराज के वाकये से हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेराज में अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई, जैसा कि सूरह नजम में है, हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि ये नूरियहु मिन आयातिन अल-कुबरा, हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियां आपको दिखाएं। दरहकीकत ये एक अजीब स्ट्रेंज एंड एक्सेंट्रिक जो है, बिल्कुल एक्सेंट्रिक है, तो अजीब वरीब सफर है ये। इस तरीके का सफर किसी इंसान ने कभी नहीं किया और न कभी इतनी तेज रफ्तार सवारी के ऊपर कोई बैठा है और न आज तक इतनी तेज रफ्तार सवारी बनी है। साइंस की इतनी तरक्की और डेवलपिंग के बाद इस एक सफर में दो सफर है, एक जमीन से जमीन का सफर है और एक जमीन से आसमान का सफर है। एक सफर में दो सफर है। पहला सफर है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, जैसा कि इस आयत करीमा में سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد حرام سے مسجد أقصى تک، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے اور پھر آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے جو سفر آسمان کا ہے وہ آسمان سے زمین کا سفر ہے और उसको मेराज कहते हैं। जमीन से जमीन का जो सफर है उसे इसरा कहते हैं और जमीन से आसमान का जो सफर है उसको मेराज कहते हैं। इस एक सफर में दो सफर हैं, मजाजन इस पूरे सफर को मेराज कह दिया जाता है। आपकी ये जो मेराज हुई है रूहानी हुई है कि जिस्मानी? सही यह है कि मेरा जिस्मानी हुई है, इसलिए कि यहां जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सब मेराज जिस्मानी के ऊपर दलालत करते हैं। मसलन सुबहाना, ये सुबहाना का लफ्ज ताज्जुब के लिए आता है, किसी गैर मामूली वाकये को बयान करने के लिए आता है। तो अगर ये ख्वाब में मेराज हुई है तो लफ्ज सुबहाना लाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ख्वाब कोई गैर मामूली वाकया नहीं है। इससे ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई है, इसी वजह से लफ्ज ताज्जुब सुबहाना लाया गया। दूसरे असरा, उसने सैर कराया। सैर बदन और रूह दोनों के मुरक्कब के साथ होता है। हमने रूह को सैर कराया ऐसा नहीं बोला जाता। इसी तरह बेअब्द ही अपने बंदे को, अपने बंदे को, तो बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता, रूह और बदन के मुरक्कब का नाम बंदा है। तो ये लफ्ज़ अब्द भी दलील है इस बात की कि आपको मेराज जिस्मानी हुई है। और मिनल मस्जिद हराम मिनल मस्जिद अक्सा, ये जो जमीन से जमीन का सफर है, अगर ये ख्वाब की हालत होती तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी यहां से वहां तक, इसलिए कि ख्वाब में तो आदमी कहीं भी जा सकता है। गोया आपके मेराज जिस्मानी के ऊपर इब्ने हज्म ने जो इजमा नकल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इब्ने हज्म ने कहा
कि आपके मेराज जिस्मानी के ऊपर इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं, इजमा है इसके ऊपर। ये मेराज कब हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हिजरत से एक साल पहले, हिजरत से एक साल पहले ये मेराज का वाकया रूनमा हुआ। रात के एक हिस्से में इतना लंबा सफर तय करा दिया गया, जबकि खाली मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर 1000 मील है और 1 माइल 1.6 अगर माना जाए तो इस एतबार से तकरीबन 1612 किलोमीटर हो जाए। खाली जमीन से जमीन का सफर जो 40 रातों का सफर है, रात के एक हिस्से में करा दिया गया। इससे पता चलता है कि बुराक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उतनी तेज रफ्तार सवारी का साइंस का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बनाना तो दूर की बात। और हमारे नबी को उसी अजीबोगरीब सवारी के ऊपर मेराज कराई गई। ये जानना जरूरी है कि इस सूरे करीमा का नाम बनी इसराइल है, लेकिन मेराज के वाक्य से इस सूरे करीमा की इब्तिदा हो रही है। वजह यह है कि बनी इसराइल का गहरा ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से है, और यही वो रात थी कि बनी इसराइल को उनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से फजीलत के स्टेज से उतार करके उम्मत मोहम्मदिया को लाकर खड़ा कर दिया, और यह बता दिया गया कि स्टेज वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। अगर वही हरकतें जो यहूद ने की हैं अगर तुमने भी की तो तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब कपड़ा नहीं लगा हुआ है, हम तुम्हारे साथ भी वही करने वाले हैं जो यहूदियों के साथ हुआ है। स्टेज वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। इसी रात को यहूदियों को फजीलत के स्टेज से उतार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तमाम जहानों में फजीलत दी थी। या बनी इसराइल कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फज़ल्तुकुम अलल आलमीन, हमने बनी इसराइल को जहानों में फजीलत अता फरमाई। उस फजीलत के स्टेज से इसी रात को उन्हें उतार दिया गया। फिर उनका वाकया बयान किया जा रहा है कि इन्होंने दो मरतबा बड़े बड़े फसाद फिल अर्ज किए। फसाद फिल अर्ज का मतलब होता है अल्लाह तबारक व ताला की बगावत, और इतनी बड़ी बगावत कि मामूली आदमी उस तरीके की सरकशी और बगावत की जसारत नहीं कर सकता। मसलन पहली दफा इन्होंने यशयाह नबी और यर्मियाह नबी इन दोनों को कत्ल कर दिया। अंबिया का कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, इन्होंने इन दोनों नबियों को कत्ल किया। ये अल्लाह की नाफरमानी में इतना आगे निकल गए थे कि इन्होंने नबियों तक को कत्ल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की और दो नबियों को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाबिल के बादशाह बुख्तनस्सर को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया 587 कब्ल मसीह। ये बुख्तनस्सर बादशाह आंधी और तूफान की तरह उठा और कहर बन करके यरूशलेम के ऊपर टूट पड़ा, और इसने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और हैकले सुलेमानी बैतुल मुकद्दस को बिल्कुल पैबंद खाक कर दिया, गिरा करके जमीन के बराबर कर दिया, और लाखों मर्दों औरतों बच्चों को लौंडी और गुलाम बना करके बाबिल ले गया। बाबिल की असीरी के दौरान इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से तौबा की, रोए गिड़गिड़ाए कि फिर ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने
ईरान के बादशाह साइरस को तौफीक दी, उसने बाबिल के ऊपर हमला करके इन तमाम लोगों को आजाद करवाया, फिर ये यरूशलम में आकर बस गए। लेकिन अभी ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि इन्होंने दूसरा फसाद फिल अर्ज किया, और इस वक्त इन्होंने एक रक्कासा, एक डांसर के कहने पर जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहिया का कत्ल कराया, और उस रक्कासा ने यह मुतालबा किया था कि यहिया का सर काट करके मेरे सामने पेश किया जाए। तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का सर काट करके तश्त में रख करके उस डांसर को पेश किया गया, ये कितना मजरूम है। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल किया। ये दूसरा फसाद फिलर्स था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए टाइटस रूमी को अजाब बना करके भेजा। टाइटस, अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं कर रहा है, तो 70 ईस्वी यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम के आसमान में उठाए जाने के 70 साल बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम को आसमान पर उठा लिया गया, उसके 70 साल बाद रूमी बादशाह टाइटस ने यरूशलम के ऊपर हमला किया और तकरीबन 1,23,000 यहूदियों को कत्ल किया और 76,000 यहूदियों को लौंडी और गुलाम बना करके ले गया। इन्होंने दो मर्तबा जमीन में जबरदस्त फसाद किए। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों फसादों की सजा इन्हें इस तरीके से दी। यह वाकया बयान करके मुसलमानों को बताना यह मकसूद है कि जिस तरीके की हरकतें यहूद ने की हैं और जैसी सजा उन्हें मिली है, ऐसी हरकतें तुम मत करना, वरना उसी तरीके की सजा तुम्हें दी जाएगी, उससे तुम नहीं बच सकते। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ। जब पहली मरतबा इन्होंने फसाद फिल अर्ज किया तो हमने अपने बंदों को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, वो इनके घरों में घुस गए, इनकी आबरू महफूज नहीं रही, इनकी नामूस महफूज नहीं रही, इनके घर महफूज नहीं रहे, इनकी जाने महफूज नहीं रही, इनके अमवाल महफूज नहीं रहे, इनका दयार महफूज नहीं रहा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ताकतवर बंदों को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। और दूसरी मरतबा जब इन्होंने शरारत की तो सिर्फ यही नहीं हुआ कि इनको कत्ल किया गया और बकिया को लौंडी और गुलाम बनाया गया, बकिया वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया। मस्जिदें दर हकीकत ये हमारा रूहानी मरकज है। मस्जिदें अगर ढा दी जाएं तो हमारा रूहानी मरकज गिर जाने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला से जो हमारा ताल्लुक है कट जाता है और इंसान कटी पतंग की तरह हो जाता है। तो गोया अपने बुरे करतूतों की वजह से न सिर्फ ये कि खुद अपने आप को लोग नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उसका असर इबादत गाहों के ऊपर भी पड़ता है। लोग आते हैं और इबादत गाहों को उठा देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये वार्निंग दी है कि तुम यहूदियों जैसी हरकत मत करना, वरना जिस तरह जालिमों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और उन्होंने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। फिर न तुम महफूज रहोगे, न तुम्हारे माल महफूज रहेंगे, न तुम्हारे घर महफूज रहेंगे, न तुम्हारी आबरू महफूज रहेगी, न तुम्हारे बाल बच्चे महफूज रहेंगे, और न तुम्हारा रहाइश का मकाम महफूज रहेगा, न तुम्हारी इबादतें महफूज रहेंगी। अगर तुमने यहूदियों के अमल दोहराए तो जैसे उनके ऊपर जालिमों को मुसल्लत कर दिया गया था, उन्होंने उनकी ईंट से ईंट बजा दी, इसी तरीके से जालिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इबरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के इन दो वाकयात को पेश फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि इंसान जो कुछ करता है उसका नाम है आमाल उसके गर्दन में लटका दिया जाता है। वो कुल्ला इंसान अल्जमनाहु तायरहु फी उनुकी, उनुक माने गर्दन,
उसके गर्दन में उसके इनाम आमाल को लटका दिया जाता है। वनुखरिजु लहु यौमल क़ियामत किताब यलक़ाहु मंशूरा, कयामत के दिन हम वो नाम आमाल उसकी गर्दन से उतार लेंगे और फैला देंगे। तो पढ़। अब आप सवाल करेंगे कि अगर लटका हुआ है गर्दन में तो दिखाई क्यों नहीं देता, अगर दिखाई दे तो फिर इम्तिहान का मकसद फौत हो जाएगा। उसके बाद ये फरमाया गया कि हम किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं भेज में मुबतला नहीं करते जब तक के हम उसके पास कोई रसूल न भेज दें, बताने वाला न भेज दें। उमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करते जब तक कि हम वहां किसी रसूल को भेज करके उन्हें मुतनब्बे न कर दें, और जब नहीं मानते तो हम उनके ऊपर अदाब नाजिल कर देते हैं। और अदाब की सुन्नत जारिया यह बताई गई कि वैदा अरदना अन्नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहिल क़ौलु फदमरना तदबीरा, हमारे अजाब की सुन्नत जारिया यह है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो वहां के जो मुतरिफ लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, वो फिस्क व फुजूर में लग जाते हैं, और उनकी देखा देखी गरीब लोग भी उसी ढर्रे के ऊपर लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा अजाब उनके ऊपर आता है, फदमरना तदबीरा, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। यह है अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की सुन्नत जारिया। पहले मालदार और बड़े लोग फिस्क व फुजूर में मुब्तला होते हैं और उसके बाद गरीब लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं, फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है और सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। यह अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की सुन्नत जारिया है। उसके बाद यह बताया गया कि आदमी दुनिया हासिल करने के पीछे रात दिन लगा रहता है। एक बड़ी अजीब बात फरमाई गई कि दुनिया और आखिरत के हुसूल में फर्क है। दुनिया तो बगैर मशक्कत में भी मिल जाती है लेकिन आखिरत बगैर मशक्कत के नहीं मिलती। क्या बात फरमाई गई, मन कान युरीदुल आजिलता जलना लहू, जो आदमी दुनिया हासिल करने का इरादा करता है तो अजलना लहू मानशा, हम उसको दे देते हैं जो हम चाहते हैं। एक नुक्ता और मिला कि अगर कोई आदमी दुनिया चाहता है तो उतना ही हम उसको दुनिया देते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन जो आखिरत चाहता है उसको हम उतना देते हैं जितना वो चाहता है। ये फर्क है आखिरत के हुसूल में और दुनिया के हुसूल में, कि जो आदमी दुनिया चाहता है तो उसे उतना ही मिलता है जितना हम चाहते हैं, लेकिन जो आदमी आखिरत चाहता है उसको हम वो देते हैं उतना देते हैं जितना वो चाहता है। यह फर्क है आखिरत के हुसूल और दुनिया के हुसूल में। और एक नुक्ता और बताया गया कि मनकान युरीदुल आजिला, कि दुनिया तो बगैर मशक्कत की भी मिल जाती है। मसलन बाप बहुत मालदार था, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ करके मरा है कि बेटे को अब कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। तो दुनिया बगैर मशक्कत के भी मिल जाती है लेकिन आखिरत बगैर मशक्कत के नहीं मिलती। वमन अरादल आखिरत वसालहा सायहा, आखिरत के साथ कोशिश को लगा दिया गया है कि बगैर मशक्कत के बगैर मेहनत के आखिरत हासिल होने वाली नहीं है। उसके बाद एक और नुक्ता बताया गया, क्या के आखिरत में कामयाब होने के लिए तीन शर्तें हैं। एक ये कि आदमी की नीयत सही हो, दूसरे अमल सही हो, तीसरे अकीदा सही हो। नीयत सही हो, दूसरे अमल सही हो और तीसरे अकीदा सही हो। वमन अरादल आखिरता, इरादा में नीयत, वसालहा सायहा ये अमल, वह मुमिन इस हाल में कि वो ईमान वाला हो। पता ये चला कि आखिरत में कामयाबी के लिए तीन शर्तें हैं, एक तो आदमी की नीयत सही हो, दूसरे अमल सही हो और तीसरे आदमी का अकीदा सही हो। इनमें से एक भी अगर कम हुआ तो फिर आखिरत में कामयाबी उसके लिए मुश्किल। वमन अराद अल आखिरत वसअलहा सअयहा वहुवा मुमिन। अच्छा, एक आदमी अमल करता है मकसूद आखिरत हो, एक आदमी अमल करता है मकसूद दुनिया हो, एक आदमी अमल करता है मकसूद दुनिया भी और आखिरत भी हो। तो एक आदमी जो अमल करता है मकसूद आखिरत हो उसका यह अमल अल्लाह के यहां काबिले कबूल है, लेकिन एक आदमी अमल करता है सिर्फ दुनिया के लिए उसका अमल अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं है। अच्छा, एक आदमी अमल करता है दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, इसके लिए तो यह देखा जाएगा गालिब क्या है,
दुनिया या आखिरत, अगर उसके इस अमल में दुनिया गालिब है तो यह अमल भी अल्लाह तबारक व तआला के यहां नामकबूल है। गोया सबसे बेहतरीन उस आदमी का अमल है जिससे मकसूद इंसान का आखिरत हो। आखिरत की कामयाबी के लिए अगर आदमी कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका वो अमल कबूल करता है। इस तरह अमल करने वालों की ये तीन किस्में हुई, मकसूद आखिरत हो, मकसूद दुनिया हो, मकसूद दुनिया और आखिरत दोनों हो। तो मकसूद अगर आखिरत हो तो ये अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल मकबूल है, दुनिया मकसद हो अल्लाह को ये अमल कबूल नहीं। दुनिया और आखिरत दोनों, अब देखा जाएगा गालिब कौन है। अगर गालिब दुनिया है तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल भी मकबूल नहीं है। और उसके बाद अल्लाह तआला ने कुछ अखलाकी तालीमात दी हैं मुसलमानों को कि वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तेरे रब ने यह फैसला किया है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का तस्करा तौहीद के बाद है, जिससे माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने की अहमियत का अंदाजा होता है कि अल्लाह ने उसे अपनी तौहीद के बाद जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक का अंदाज बताया गया, देखो कितना प्यारा अंदाज है। उन दोनों में से अगर एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, सवाल ये है, पहले ये बोलना चाहिए ना, दोनों मिल जाए फिर एक मिले, पहले दोनों रहते हैं ना फिर उसके बाद उनमें से एक कम होता है। तो यूं कहना चाहिए दोनों मिल जाए या एक मिल जाए, लेकिन तरकीब उलट दी गई। पहले कहा गया उनमें से एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, पहले ला करके ये बताना मकसूद है कि माँ बाप में से कोई एक अगर मिल जाए तो वो हुस्ने सुलूक का तुम्हारे ज्यादा मुस्तहिक है। मसलन जब तक बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जिंदा है, अगर बहू की तरफ से कोई तकलीफ हुई, बेटे की तरफ से तकलीफ हुई, तो बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को बता करके, जिक्र करके अपना गम गलत कर लेते हैं कि देखो आज बहू ने मुझे ऐसा कहा, मेरे बेटे ने मेरी ये बात नहीं सुनी, तो एक दूसरे से बयान करके अपना गम गलत कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक अगर इस दुनिया से चला जाए और अगर बेटा उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, बहू उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बताओ अगर मां जिंदा है तो वो अपना गम गलत करने के लिए किसके पास जाए, बाप अगर खाली जिंदा रहे तो अपना गम गलत करने के लिए किसके पास जाए। कुरान हकीम किस तरीके से अजीब गरीब साइकोलॉजिकल बात करता है, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, उनमें से एक मिल जाए, अगर एक मिले तो तुम्हारे हुस्ने सुलूक के ज्यादा मुस्तहिक है। इसलिए कि कोई बात बेटे ने कह दी, कोई बात बहू ने कह दी, अब ये अपना गम बयान करने के लिए किसके पास जाए, उसका रफीक सफर तो था ही नहीं, अब है ही नहीं। लिहाजा अगर एक मिले तो वो तुम्हारे हुस्ने सुलूक का ज्यादा मुस्तहिक है। कैसे कहना है, कैसे रहना है उनके साथ, फला तकुल लहुमा उफ, पहले कहा गया कि उफ भी मत कहना किसी बात पर, वला तनहरहुमा, किसी बात पर डांटना नहीं, इसलिए कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से तुम्हें पाला है। कभी तुम बीमार हुए, बाप रात भर सोता नहीं, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा सब कुछ बिक जाए चलेगा लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए। क्या ये जज्बात हमारे अपने माँ बाप के ताल्लुक से हैं? वो तो ये दुआ करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो, मेरा बच्चा जिए फले फूले, और यहां मामला उल्टा है, कहते हैं कब इस दुनिया से ये चले जाए, खस कम जहां पाक, खांसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उल्टा पलटा करते रहते हैं, कब ये दुनिया से चले जाए। ये फर्क हो जाता है सोच का, ये फर्क हो जाता है आदमी के विचार का और उसकी फिक्र का। बच्चा है गोद में बाप के, अब्बा ये क्या है, पंखा है, फिर पूछते हैं अब्बा ये क्या है, पंखा है बेटा, अब्बा ये क्या है, बोले पंखा चाहिए बेटा, ले आता हूँ खरीद कर। माँ बाप बोले बेटा चाय नहीं आई है अभी, आ जाइए अब्बा, आ जाइए बेटा चाय नहीं आई, आ जाइए अब्बा, आ जाइए बेटा चाय नहीं, क्यों बार बार आप उसी बाप को दोहरा रहे हैं, चाय आ जाएगी ना, ये फर्क है
وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈانٹ نہیں سکتے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور جب بات کرو تو بڑے ادب سے بات کرو بہت ادب سے بات کرو ساتھ یہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور رحمت سے فرما برداری کا بازو بچھائے رکھو یہاں جناح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کو لیے ہوئے باہر دانا دن کا چنتی رہتی ہے اور اچانک جب اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ چیل آ رہی ہے یا کوئی خطرہ مڈلا رہا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتی ہے آواز نکالتے ہی سارے چوزے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے وہی تعبیر اختیار کی گئی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ جس طرح مرغی خطرے کے احساس سے آواز نکال کر کے بچوں کو اپنے قریب بلا لیتی ہے اور انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایسے ہی تم اپنی رحمت کا بازو ماں باپ کے لیے بچھائے رکھو کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دو اس لیے کہ ماں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جاڑا ہو برسات ہو اگر بستر گیلا ہو گیا تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے اللہ اکبر یہ تعلیم ہے قرآن حکیم اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم کی وجہ سے میری پرورش کی تھی اس پرورش کی جس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بتائیے ماں باپ کے تعلق سے اس طریقے کی تعلیمات دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے آج تو یورپ میں جسے اپنے تمدن اپنی سیویلائزیشن اپنے کلچر کے اوپر بڑا ناز ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ڈاگ کہتے ہیں تو ماں کو اولڈ بچ کیا بولتے ہوں گے اپنے بوڑھے باپ کو یہ لوگ اولڈ ڈاگ بولتے ہیں بوڑھا کتا اور یہاں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے فلا تقل لہما اف یہ ہے قرآن حکیم کی تعلیم ماں باپ کے تعلق سے خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس طریقے کی اخلاقی تعلیم پیش کرنے سے قاصر ہے اور اس کے بعد کہا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ بتانا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو محبت کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو دنیا والے کہیں کہ بڑا نافرمان بڑا گیا گزرا بیٹا ہے تو بعض لوگ دنیا کے خوف سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم کیا سائیکولوجیکل تعلیم ہے کیا سائیکولوجی ہے دیکھیے اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے یعنی ماں باپ کی خدمت جو کر رہے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو یا سچ میں محبت اور رحم کے جذبے سے کر رہے ہو در حقیقت انہوں نے محبت اور رحم کے جذبے سے تم کو پالا ہے لہذا ان کے ساتھ اس نے سلوک رحم اور محبت کے جذبے سے ہونا چاہیے حد جزا الحسان نہیں دل احسان احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے تم بچے تھے تو انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا اب وہ بچے ہو گئے تم ان کا بچپن سنبھالو حد جزا الحسان نہیں دل احسان احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے تم بچے تھے تو ماں باپ نے تمہارا بچپن سنبھالا اب وہ دونوں بچے ہو گئے اب تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تم ان کا بچپن سنبھالو تو فلا تقل لہما اف ماں باپ کو اف بھی نہ کہو ولا تنہرہما ان کو ڈانٹو نہیں وقل لہما قولا کریما بڑے ادب سے بات کرو اور ان کے لیے رحمت سے خاکساری کا آجزی کا انکساری کا بازو بچھائے رکھو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور اپنا سب کچھ میرے پیچھے لگا دیا تھا ایک باپ کسان مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے لیکن یہی بچہ جب کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی حرکتیں دیکھو اپنے باپ کتنی اور اپنی ماں کتنی اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا زنا کے قریب بھی مت جاؤ زنا کرنا تو دور کی بات ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ اب زنا کے قریب لے جانے والی ہر چیز حرام ہو گئی فلمیں دیکھنا
इसलिए कि ये चीज जिना के करीब ले जाने वाली है। ऐसी जगह जहां मर्द और औरत दोनों बेहिजाबाना मिलते हो, आजादाना इख्तलात हो मर्द और जन का, दर हकीकत ये भी जिना को उभारने वाली चीज है। ऐसी जगहों पर मत जाइए। फहश लिटरेचर जिससे आदमी के नफ्स के अंदर हैजान पैदा होता है, उरिया तस्वीरें हैं, ये तमाम चीजें वाला तकरबु जिना के दायरे में आ रही। जिना न करो ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि जिना के करीब भी मत जाओ। जिना करना तो छोड़ो, दवाई जिना के भी करीब न जाओ, जो जिना के असबाब उनके भी करीब न जाओ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बास बादल मौत पर एक बहुत प्यारी दलील दी है। وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, जब हम मर जाएंगे और सड़ गल करके मिट्टी हो जाए तो क्या दोबारा हमें नए सिरे से उठाया जाएगा, ये तो न समझने वाली बात है। अल्लाह तबारक ने फरमाया कि देखो तुम पैदा किससे होते हो, नुतफे से, और नुतफा क्या होता है, ये बदन के हर हिस्से से निकलने वाले मादे का खुलासा होता है। गोया पूरे बदन से निकलने वाले मादे का खुलासा होता है। तो ऐसे ही जब तुम मर जाओगे तुम्हारे अज्जा बिखर जाएंगे, तो इसी तरीके से तुम्हारे अज्जा को इकट्ठा करके हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। और उसकी मिसाल अगर देखनी हो तो मैंने एक मिसाल पढ़ी है कि एक मेढक ले लो, मेढक, मेढक को मार दो, मर गया मेढक या मरा हुआ मेढक, उसको सुखा लो, उसको सुखा लो, जब एकदम सूख जाए तो उसको पीस लो, पीसने के बाद उसे किसी बर्तन वगैरह के अंदर रख लो, जब बरसात का मौसम आए तो कहीं मिट्टी वगैरह हो वहां वो इसके जो अज्जा है मेढक के वहां डाल दो, एक एक जर्रे से एक एक मेढक बन करके निकल जाएगा। बास बादल मौत को अगर अपनी आंखों से देखना है तो ये करके देखो। तो अइदा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा, क्या जब हम मर जाएंगे और सड़ कर करके मिट्टी हो जाएंगे क्या दोबारा उठाए जाएंगे। देखना हो बास बादल मौत का मंजर तो अपनी आंखों से देख लो। इसी तरीके से एक परिंदा होता है कुकनुस, ये जिंदगी में एक बार बोलता है, एक बार गाता है, और मरने से पहले ये लकड़ियां जमा करता है, और जब बोलता है तो आग लग जाती है लकड़ियों, उसी में जल करके मर जाता है, और उसके एक एक जुज से पानी पड़ने के बाद एक एक कुकनुस पैदा होता है। ये बास बादल मौत की एक और दलील है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद ये फरमाया गया यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, उस दिन यानी कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, इमाम के साथ बुलाएंगे, कोई किसी इमाम के पीछे होगा, कोई किसी इमाम के पीछे होगा, कोई किसी इमाम के पीछे होगा। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम माना है, आगे आगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे पीछे आपके मुक्तदी, आपके पीछे चलने वाले। यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे आवाज आएगी कि आपको इमाम मानने वाले लोग आपके पीछे आ जाएं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके इमाम कयामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। उसके बाद रूह के बारे में सवाल किया गया, ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप बता दीजिए कि अल्लाह के अमरों में से एक अमर है बस। तफसीली जवाब नहीं दिया गया कि रूह है क्या, इसलिए कि साइंस के पास भी सिर्फ क्या का जवाब है, क्यों का जवाब तो उसके पास है ही नहीं। मसलन पूछा जाए व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, पर जब पानी क्या है तो कहेगा कि H2O का तो ना सुबह, यानी ऑक्सीजन का एक हिस्सा, हाइड्रोजन का दो हिस्सा, अब H2O के तनासुब से मिलकर पानी बना है, ये तो क्या का जवाब हुआ। पानी क्या है, H2O के तनासुब से बना है। अब पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं कि हाइड्रोजन के दो हिस्से हों, हाइड्रोजन का एक हिस्सा और ऑक्सीजन का दो हिस्सा हो, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, बोले पता नहीं, पता नहीं। तो साइंस के पास क्या का जवाब है, मगर क्यों का जवाब नहीं, ऐसा क्यों हुआ बताया तो ये पानी क्या है, बोले H2O का तनासुब है। पूछा गया ऐसा क्यों है, पता नहीं। तो साइंस के पास क्या का तो जवाब है, मगर क्यों का जवाब नहीं है।
یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روح کے بارے میں سوال کرنے والوں کو اتنا ہی جواب دے دیا جتنا ان کے پاس سنس تھا. تفصیل نہیں بتائی. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ پڑھ رہا ہے بغدادی قاعدہ اور پوچھ رہا ہے بخاری شریف کے ترجمت الباب کا مفہوم. ظاہر ہے کہ اس کو سمجھایا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کے پاس اتنا سنس ہی نہیں, اس میں عقل ہی نہیں اس کے پاس. اس کے بعد قرآن حکیم کی فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن حکیم اتنا بڑا معجزہ ہے. ایک بات بولتا ہوں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان سب کو عملی معجزے دیے گئے, عملی معجزے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا دے دیا گیا, عصا بن جاتا تھا, پتھر پر مارتے تھے تو چشمے ابل پڑتے تھے. ید بائزہ ہاتھ بغل میں ڈال کر کے نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مٹی کی چڑیا بناتے پھونکتے اڑ جاتی, یہ بتا دیتے کیا کھا کر آئے ہو, گھر میں کیا رکھا. وہ نبیکم بما تاکلون وما تدخرون. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا. تو نبیوں کو الگ الگ معجزات دیے, سب عملی معجزے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عامل جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عملی معجزات کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ دیا. اور آپ کو معلوم ہے عالم دنیا سے چلا جائے تو اس کا علم نہیں جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا, جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. قل لئن استمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب مل کر کے قرآن جیسی کتاب بنانا چاہے نہیں بنا سکتے, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے. پہلے تو یہ کہا کہ پورا قرآن بنا کر کے لاؤ, نہیں بنا سکے. کہا کہ تو ایسا کرو ایک سورت بنا کر کے لاؤ, 10 سورتیں بنا کر لاؤ, نہیں لا سکے. کہا ایک سورت بنا کر کے لاؤ, نہیں بنا سکے. کہا کہ ایک سورت تو دن کے فلیات کے حدیث کی مثلی, ایک جملہ ایک سینٹینس بنا کر کے لاؤ, نہیں بنا سکے. تو یہ ایک علمی معجزہ ہے اور اس کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا اور چیلنج برقرار ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اپنی کسی تخلیق کے اندر وہ کسی کی مدد نہیں لیتا. عام طور پر کبھی چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے, جیسے بیٹا باپ سے, اور کبھی کبھی اپنے برابر سے, جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے. اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے, تو چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے, بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے, اور کبھی اپنے برابر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی فرمائی. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس کے اولاد نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے, پارٹنر بھی نہیں ہے کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, پارٹنر بھی نہیں, گویا کہ کوئی اولاد نہیں اس کی کہ بڑا چھوٹے سے مدد لے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں کہ اپنے مساوی سے, اور نہ اس کا کوئی ولی ہے, اس کا کوئی مددگار ہے کہ بڑا چھوٹے سے مدد لے یا چھوٹا بڑے سے مدد لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کی امداد کی نفی فرما دی. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو جمعہ کے دن پڑھ لے سورہ کہف کو, تو علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک روشنی رہے گی. اور اگر اس سورہ کریمہ کی ابتدائی 10 آیات اور بعد کی 10 آیات کو کوئی حفظ کر لے, یاد کر لے, برابر پڑھتا رہے, تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ابتدائی 10 آیات اور بعد کی 10 آیات. اور اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کریمہ کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک ایک روشنی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے کچھ نوجوانوں کا. در حقیقت 3 سوالات ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے تینوں سوالات کے جوابات دیے. پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے, جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی. اس کے بعد ایک سوال اور تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے, ان کا کیا ہوا, اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد تھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے, وہ آگے اسی سورہ کریمہ میں 16 پارے کے اندر بیان کیا گیا, ذوالقرنین کا واقعہ. یہ 3 سوالات تھے, روح کی حقیقت کیا ہے, اور پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے بھاگے تھے ان کا کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے. ان تینوں سوالوں کے جوابات اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے. یہاں یہ دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق,
انہم فدیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, ہم ان کی خبر اور ان کا قصہ بالکل سچ سچ بیان کر رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ چند نوجوان تھے. فتح کی جمع فتیا. انہم فدیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, ان کا پورا شہر شرک کے اندر لتھڑا ہوا, توحید نام کو نہیں تھی. یہ چند نوجوان اللہ کے اوپر ایمان لائے. کیا ہوا وہ ابھی بتاتا ہوں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور اچھی چھوکری مل جائے, بس بہترین طریقے سے کمائی کا کوئی ذریعہ ہاتھ آ جائے اور کسی اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے, بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالو کہ تم کیا کر سکتے ہو, انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہو, اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہو. کسی کو جھوٹ بولنا چھوڑا سکتے, کسی کا شراب پینا آپ چھوڑوا سکتے ہیں, کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں. کسی کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں, کسی کو شرک و بدعت سے نکال کر کے توحید اور سنت کی راہ پر لا سکتے ہیں. انفرادی طور پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ کچھ بہت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی آبرو اور قوم کی ناموس ہوتے ہیں, اس کے آبرو ہوتے ہیں. اگر یہی لوگ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو, ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنایا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. پورا ملک شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا, یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے. اور چونکہ یہ بات اس حکومت کے خلاف تھی, وہاں کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف تھی, لہذا حکم جاری یہ ہو گیا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور سولی دے دی جائے, یہ سب بھاگ پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے جان کا خطرہ ہو وہاں سے آدمی کو ہجرت کر جانا چاہیے. یہ لوگ نکل پڑے اور ایک غار میں جا کر کے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر چلے گئے. اور پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیت تاری فرما دی. کتنے لوگ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا, وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کے اوپر اعتراض فرمایا کہ یہ اٹکل پچھو بات ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. اس قول کے اوپر تنقید نہیں فرمائی گئی اور اللہ نے فرمایا ما یا لم بعدتہم الا قلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے کوئی مگر تھوڑے لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے میں ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہوں جو ان کی تعداد کو جانتا ہوں, وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. کیوں؟ اس لیے اللہ نے دو قول نقل کر کے اس پر تنقید فرمائی, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن سات تیسرا قول جو نقل فرمایا اس کے اوپر تنقید نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. تو یہ جب غار کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند تاری کر دی. بے ہوشی اور نیند کے اندر فرق ہوتا ہے. بے ہوشی کے اندر آدمی کروٹ نہیں لے پاتا دائیں بائیں, لیکن نیند کے اندر آدمی کروٹ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ان کو داہنے بائیں پلٹتے رہتے. کیوں؟ تاکہ ان کو مٹی نہ کھا لے. اگر ایک طریقے سے پڑے رہے کئی سالوں تک تو مٹی کھا لے گی, اسی وجہ سے ہم ان کو نیند میں پلٹتے رہتے تھے. اور ان کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا منظر اتنا خوفناک ہے, اتنا ہاریبل ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے تو آپ بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگتے, اتنا خوفناک منظر ہے غار کا اور غار کے اوپر بیٹھے ہوئے کتے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند تاری کر دی. کتا بھی سو رہا ہے اور یہ ساتوں آدمی بھی سو رہے ہیں. اور کتنے دن گزر گئے؟ 300 سال گزر گئے. اللہ نے فرمایا 300 سال یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے, وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, یہ لوگ 300 سال وہاں سوتے رہے اور زیادہ کیا 9, یعنی شمسی سال اگر لیا جائے تو 300 اور قمری سال اگر لیا جائے تو 309 سال تک. یا یہ کہیے کہ شمسی سال میں اور قمری سال میں 9 سالوں کا فاصلہ ہوا, تو اس اعتبار سے اگر آپ کیلکولیشن کرنا چاہیں تو ایک دن کے اندر شمسی اور قمری سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایک منٹ کے اندر شمسی اور قمری سالوں میں کتنا فرق ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الہندسہ کا ایک مسئلہ بیان کر دیا یہاں کہ شمسی سالوں میں اور قمری سالوں میں 300 سال کے اندر 9 سال کا فرق ہوا. اب 3 سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے؟
150 साल के अंदर, फिर 100 साल के अंदर, फिर 50 साल के अंदर, 25 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, फिर 1 मिनट के अंदर कितना फर्क होता है कैलकुलेशन करके, इसलिए कि जाब्ता बता दिया गया, रूल बता दिया गया। वला बिसूफी काफी सलासमियत सिनीन वज़दादू तिसा। अब 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला इनको उठाता है, इसलिए कि अब हुकूमत बदल गई है। पहले जो बादशाह था वो काफिर था, और अब जो बादशाह, पहले का नाम ओकियानोस था, वो काफिर था, बुतपरस्त था, और अब जब उठाया गया 300 साल के बाद, तो अब पूरा का पूरा मंजरनामा बदल चुका था। ये सारे के सारे लोग ईसाई हो चुके थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, और इस वक्त के बादशाह का नाम थियोडोसियस था, ये ईसाई हो चुका था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको जगाया, उठे अपनी नींद से, तो कालू लबिसना, पूछने लगे कम लबिस तुम, यार कितना सोए हम लोग, कितना ठहरे यहां गार में। तो एक बोल, वो लोग बोलने लगे कालू लबिसना यौमन व बाद यौम, एक दिन या आधा दिन। 300 साल के बाद उठ रहे और कह रहे हैं कि हम ठहरे हैं एक दिन या आधा दिन। कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये पैसा लो और बाजार से कुछ खाना वाना लेकर के आओ। देखो 300 साल तक सोते रहे, खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही जागे तैसे खाने की जरूरत पड़ गई। अब वो सिक्का लेकर के जो 300 साल पुराना था, ये बाजार गए, खाना लिया, और जब पैसा दिया तो उसने कुछ कहा नहीं, देख लिया कि लगता है इस आदमी को कहीं खजाना मिल गया है, या कुछ तो कोई बात जरूर है। पता लगाया गया तो सारा माजरा जब सामने आया तो सारे के सारे लोग हैरतज़दा हो गए। अब चूंकि ईसाइयत लोग कबूल कर चुके थे, बड़े एहतराम से पेश आए, कहा कि हजरत यह है, हम आपके लिए घर बना देते हैं, आप यहीं रहिए। आप लोग नहीं बोले, हम लोग वहीं रहेंगे, आते जाते रहेंगे तबलीग दावत के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए, हम लोग वहीं ठीक हैं और हम लोग वहीं रहेंगे। इस तरीके से वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। ये वाकया कहाँ का है? ये वाकया ये शहर अफसस का है। नाम क्या था उसका? अफसस। ये तुर्की के एक मशहूर शहर समरना के करीब है, उसके खंडरात मिले हैं। शहर अफसस के खंडरात कहां मिले हैं, जहां के ये लड़के थे? शहर अफसस के खंडरात ये तुर्की के मशहूर शहर समरना के करीब मिले हैं, और वहीं पर डाइना का मंदिर था, जो 7 अजाइबात में, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, 1 of the 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड। यानी 7 जो अजाइबात है दुनिया के, उनमें से एक अजूबा ये डाइना का मंदिर है, ये वही है, शहर अफसस के पास था। तो ये वाकया वहां रूनुमा हुआ। यहां तालीम है नौजवानों को कि वो अपना वक्त लगाएं अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नौजवानों की बड़ी तारीफ फरमाई है और कहा कि उनकी फजीलत तो अपनी जगह है, उनके साथ जो कुत्ता था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इबरत बना दिया, उनके साथ रहते रहते वो 300 साल तक सोता रहा हूं। लेकिन एक नुक्ता वहां बता दिया गया, बार बार उसे कुत्ता ही कहा जा रहा है। सयकूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यकूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम व यकूलून सबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम। कल्ब कल्ब कह करके ये बात बताई जा रही है कि कहीं ये ना समझ लिया जाए कि कुत्ता इन इंसानों के साथ रहते रहते बहुत बड़ा वली बन गया। एक वाकया बयान किया जा रहा है ना, कोई वो कुत्ता वली हो गया था, किसी किताब में लिखा हुआ है कि एक कुत्ते के ऊपर किसी वली की निगाह पड़ गई तो कुत्ता वली हो गया। कैसे? जहां बैठा रहता था सारे कुत्ते आकर के चुपचाप बैठे रहते, कुत्ते नहीं तो चुपचाप बैठे रहते, कुत्ता वली हो गया। बताइए वो नजीस जानवर, उसको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही लोगों को, कुत्ता ये नजीस जानवर वली कैसे हो गया? कहते एक वली की नजर उसके ऊपर पड़ गई तो कुत्ता वली हो गया। यहां देखिए कितने बड़े वली है, 300 साल तक सोते रहे, इनके साथ रह करके अल्लाह तबारक तआला बताते हैं कुत्ता वली नहीं, कुत्ता कुत्ता ही रहा हो, वो वली नहीं हो गया। कल्बुहुम कल्बुहुम कल्बुहुम, बार बार अल्लाह तबारक तआला बोलता है कि ये कल्ब ही रहा, कुत्ता ही रहा, वली नहीं हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने शिर्क की एक अजीब गरीब किस्म बयान फरमाई। ये सूरह करीमा बड़ी अजीब गरीब है, इस पर मेरा 9 घंटे का लेक्चर है इंटरनेट के ऊपर है, 9 घंटे का बयान है सूरह कहफ की, एक एक लफ्ज की तफसीर है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो शिर्क की किस्म बयान की गई वो बड़ी अजीब गरीब किस्म है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि कोई किसी कब्र को पूज रहा है तो वो शिर्क है, किसी बुत को पूज रहा है तो वो शिर्क है। यहां शिर्क की एक अजीब किस्म बताई गई है, वो क्या? कि दो दोस्त थे, एक मुशरिक था, काफिर था, और एक मोमिन था। तो ये जो काफिर था इसका एक बाग था, तो अपने इस मुस्लिम दोस्त को लेकर के अपने बाग में गया और कहने लगा देख कितना बेहतरीन बाग है। قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا, ये फल बहुत देता है और मुझे यकीन है कि ये दरख्त और ये फल कभी रुकेगा नहीं और ये
बागीचा कभी तबाह बर्बाद नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बागीचे को तबाह बर्बाद कर दिया। तो जब बाग तबाह हो गया तो उसने कहा काश कि मैंने अपने रब के साथ शिर्क न किया होता। अब देखो इसमें शिर्क का कोई वाकया ही नहीं बयान किया जा रहा है। दर हकीकत शिर्क की एक किस्म यह भी है कि आदमी अपने किसी बड़े काम को अपनी ही तरफ मंसूब करे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मंसूब ना करे। कोई कहे मैं तो डॉक्टर हो गया हूं, तो दूसरा कहे अल्लाह तबारक व ताला का फजल है, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा बोलो माशाल्लाह बोलो। कहे इसमें अल्लाह तबारक व ताला का क्या है, मैंने मेहनत की है, दिनों रात मैंने मेहनत की, तब मैं डॉक्टर बनाऊ, मैं इंजीनियर बना, तो इसमें अल्लाह तबारक तआला का क्या लेना देना है, मैंने तो अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग पढ़ी है। ये है किसी चीज को हासिल करके ये कहना कि ये चीज मैंने हासिल की है, इसमें अल्लाह तबारक तआला के फजल का, उसके एहसान का कोई दखल नहीं। दर हकीकत शिर्क की एक अजीब गरीब किस्म है ये, जिसको इस सूरह करीमा के अंदर बयान फरमाया गया है। उसके बाद हजरत मूसा और खजीर का वाकया बयान किया गया है। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए तकरीर करने के लिए, तकरीर बहुत अच्छी थी। जब तकरीर खत्म हुई तो एक साहब ने कहा आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, जबान से निकल गया मैं सबसे बड़ा आलिम, अल्लाह तबारक व तआला को उनकी अदा पसंद नहीं आई। कहा कि मेरा एक बंदा मजबूल बहरैन पर रहता है, दो दरियाओं के संगम पर, जहां खलीज अकबा और बहर कुलजुम मिलते हैं, वहीं उसी को मजमूल बहरैन कहा जाता है, वहां पर मेरा बंदा है, खिजर जाकर के उससे मिलो। कैसे मिलोगे, एक मछली फ्राई करके ले जाओ, जहां ये मछली निकल करके समंदर में चली जाए वहीं पर वो बंदा मेरा मिलेगा। आप अपने साथ अपने शागिर्द यूशा इब्न नून को लेकर के चले, मछली एक जगह रुके, मछली वहां से निकल करके टिफिन में से निकल करके दरिया में चली गई और एक सुरंग बन गया। इन्होंने जाते हुए देखा लेकिन शैतान ने इनको भुला दिया। ये और हजरत मूसा बहुत दूर चले गए, एक दिन एक रात का सफर कर लिया, थक गए तो कहा कि मछली निकालो तरह खा ले। अरे बोले मुझे याद नहीं रहा, वो मछली तो निकल करके समुद्र में चली गई थी। कहा कि अल्लाह के बंदे बयान करना था, हम तो बहुत आगे आ गए। फिर पीछे फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, वापस पलटे और देखा कि मछली जिस तरफ से गई थी वहां पर एक सुरंग बनी हुई है, वहीं पर मुलाकात हुई हजरत खजर से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन? बोले मूसा। कौन मूसा? बोले मूसा बनी इसराइल। इसका मतलब हजरत खजर को भी गैब का इल्म नहीं, तो ये क्यों पूछ रहे कौन मूसा? ये कह रहे मूसा बनी इसराइल। अच्छा बोले क्यों आए हैं आप? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो इल्म दिया है उसको मैं सीखने के लिए आया हूं। कहा कि मेरे साथ रहकर तुम सब्र नहीं कर सकते। कहा कि इंशाल्लाह मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा और साबिर रहूंगा। वादा करते हो लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो काम करूं उस पर टोकोगे नहीं, उस पर एतराज नहीं करोगे। कहा कि ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, आप करते रहिए मैं चुपचाप रहूंगा। अब थोड़ी देर के बाद इन लोगों को दरिया पार करके उस तरफ जाना हुआ है, कश्ती पर बैठे और जैसे कश्ती बीच भंवर में पहुंची हजरत खजर उसके तख्ते उखाड़ने लगे। मूसा अलैहि सलाम देखे ये क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, लकद जीत शैअन नुकरा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप तख्ते उखाड़ अखरत हाली तुगरी का आला, ये तख्ते आप उखाड़ रहे इसलिए कि ताकि इसके अंदर बैठने वाले लोग गर्क हो जाए, ये तो आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। हजरत खजर ने कहा मैंने कहा था मेरे साथ रह करके सब्र नहीं कर पाओगे। कहा कि एक दफा माफ कर दीजिए, अब आइंदा से नहीं बोलूंगा। अब जब एक कश्ती साहिल पर लगी और आगे गए तो देखा कि एक बच्चा खेल रहा है, उसको बुलाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। हजरत मूसा अलैहि सलाम देखा एक बेकसूर की जान इन्होंने ले ली। कहा अकतलत नफ्सन ज़कियतन बगैर नफ्स लकद जीत शैअन नुकरा, अरे ये क्या किया आपने, एक मासूम की आपने जान ले ली। हजरत खजर ने कहा काला वा अलम अकुल लक इन्नक लन तस्तदीय मसर, मैंने कहा था मेरे साथ रहकर तुम सब्र नहीं कर सकोगे। तो ये वाकया 15वें पारे तक यही है, बाकी तफसील इस वाकये की 16वें पारे के अंदर है। इंशाल्लाह कल हम उस पर तफसील रोशनी डालेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.